हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके आते रहते हैं जो कि सिस्टम एप्लीकेशन से उसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं। जैसे हुआवे, शाओमी, ऑनर, वीवो, ओप्पो, इन फ़ोन में कई सारी सिस्टम ऐप्स आती हैं, उसमें जो नोटिफिकेशन कंटिन्यू आते रहते हैं या फिर अननेसेसरी के एड्स आते रहते हैं, तो उन सिस्टम ऐप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और कई सारी सिस्टम ऐप्स हैं उनको तो आप डिसेबल भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और आपको वो ऐप्स दोबारा चाहिए उसको आप इंस्टॉल भी कैसे कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर कुछ ऐप्स आपकी जिनका आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप टर्न ऑफ कर दीजिए, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि इसके नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करने के लिए आपको ऐप मैनेजर में जाना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल में उसकी सेटिंग अलग अलग जगह होती है। जैसे वन प्लस फ़ोन है तो मैं इसमें ऐप इन्फो में जाता हूँ मान लीजिए, तो ऐप इन्फो में सारी एप्लीकेशन यहाँ नज़र आ जाएंगी आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये एंड गूगल प्ले गेम्स ये कोई ऐप है एग्जाम्पल के तौर में, एक ऐप है इसके नोटिफिकेशन मुझे टर्न ऑफ करने हैं। ये कोई सी भी ऐप हो सकती है, आपको ऐप का पता लगाना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में कौन सी ऐप है वो कंटिन्यू नोटिफिकेशन भेज रही है। तो इसमें नोटिफिकेशन में जाइए, इसको टर्न ऑफ कर दीजिए, तो आपके अब नोटिफिकेशन आना बंद हो गए। जो अननेसेसरी पॉपअप्स और एड्स आ रहे थे वो आपके बंद हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ ऐप्स में क्या होता है कि आपका ऑप्शन होता है कि आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एंड्रॉयड ऑटो ये ऐप है, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिसेबल करूँगा तो ऐप ये डिसेबल हो जाएगी। तो इस टाइप की जो ऐप्स हैं उनको आप डिसेबल कर सकते हैं, जिसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, और जो डिसेबल का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके आप नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में सिस्टम ऐप्स को परमानेंटली अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको एंड्रॉयड डीबगिंग टूल या जो कि एडीबी मैनेजर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब आपको बता देता हूँ आगे कि कैसे आप एंड्रॉयड डीबगिंग टूल की सहायता से सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और वापस चाहें तो उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो सिस्टम ऐप्स अनइंस्टॉल होंगी वो करंट यूज़र के लिए अनइंस्टॉल होती हैं, वो सिस्टम की इमेज में, फैक्ट्री इमेज में वो ऐप ऑलरेडी से वहाँ पे अवेलेबल रहती है। अगर आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करें तो वो भी ऐप सारी वापस आ जाएंगी जो जो भी आप अनइंस्टॉल करेंगे। और आप जो एंड्रॉयड डिबगिंग टूल्स में कुछ कमांड्स हैं उसकी सहायता से भी उसको आप वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड डिबगिंग टूल का यूज़ करने के लिए पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसके लिए सेटिंग में जाइए, इसमें अबाउट फोन पे टैप करिए, यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर दिखाई देगा। तो इस बिल्ड नंबर पे आपको 7 टाइम्स आपको टैप करना है। तो इसके बाद अगर पिन पूछा जाता है आपका मोबाइल का, पिन या पासवर्ड, तो वहाँ एंटर कर दीजिए आप। तो इसके बाद में आपका डेवलपर ऑप्शन टर्न ऑन हो गया है। डेवलपर ऑप्शन की जो लोकेशन है डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होती है। जैसे वन प्लस फोन है तो आप इसका ये सेटिंग्स में जाकर सिस्टम के अंदर ये डेवलपर ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये टर्न ऑन हो गया डेवलपर ऑप्शन आपका। अब आप इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यूएसबी डिबगिंग ये वाला ऑप्शन मिलता है, इसको आप टर्न ऑन कर दीजिए। तो ये मोबाइल एक काम तो ये हो गया, आपको यूएसबी डिबगिंग टर्न ऑन करना है। इसके अलावा एक ऐप भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसका नाम है ऐप इंस्पेक्टर। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस ऐप में एक्चुअली आप देख सकते हैं कि जो एंड्रॉयड ऐप्स आपके इंस्टॉल हैं उसका एक्चुअल में पैकेज नेम क्या है, जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड डालेंगे उसमें एक्चुअल में उसका पैकेज का नाम डालना पड़ता है, ऐप का नाम नहीं होता। जैसे कि कोई ऐप है गूगल प्ले, तो गूगल प्ले के नाम से नहीं होती, कुछ उसका कॉम डॉट गूगल डॉट प्ले इस टाइप से उसके नाम होते हैं। तो इसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं इस डेमो के लिए एक आपको वन प्लस नोट ऐप का डेमो करके दिखा रहा हूँ, उसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके। तो मैं जैसे यहाँ सर्च करता हूँ नोट, तो जैसे ये वन प्लस नोट ये वाली ऐप है, इसका नाम आप देख सकते हैं ये है कॉम डॉट वन प्लस डॉट नोट, ये इसका पैकेज का नाम है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ लैपटॉप में आपको एडीबी टूल कैसे इंस्टॉल करना है और आगे की सेटिंग कैसे करनी है। एंड्रॉयड डीबगिंग टूल आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, developer.android.com, जो आपका एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल से, इसी के अंदर एडीबी मैनेजर या एडीबी टूल्स इनबिल्ट होता है इसी के अंदर। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप में। ये वाली फाइल है प्लेटफॉर्म टूल्स windows.zip, इसको आप सेव कर लीजिए। ओके, ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको नो कर देता हूँ और इसको अनजिप कर देता हूँ। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है एंड्रॉयड डिबगिंग टूल या एडीबी मैनेजर, तो आप ये वाली वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, XDA फोरम है जो sdadevelopers.com। इसमें आपको पूरा बताया गया है कि हाउ टू इंस्टॉल द एडीबी इन विंडोज़ और मैक और लाइनक्स। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है,
ऑटो रिमूव सिस्टम एप्स विदाउट रूट इन एंड्रॉयड फ़ोन, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताया है कि कैसे आपको सिस्टम फाइल्स को अनइंस्टॉल करना है ADB टूल्स की सहायता से। जो आपने फाइल सेव की थी उसको आप अनजिप कर लीजिए, तो ये वाली फाइल मैंने अनजिप कर ली, यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स, ये अनजिप हो गई है। तो इस फाइल का पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया। जैसे अब यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, स्टार्ट में जाइए CMD, इसके बाद में CD, इसके बाद में आप राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा आपका पाथ। तो इस पाथ में आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट में हम पहुँच गए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको USB केबल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है। तो USB को लैपटॉप से आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, अलाउ USB डिबगिंग RSA की फिंगरप्रिंट इज दिस, तो इसको आपको अलाउ करना है, ये अलाउ कर दीजिए। आपका लैपटॉप आप मोबाइल से कनेक्ट हो गया है USB डिबगिंग मोड में, तब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है ADB डिवाइसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिवाइसेस आपकी लिस्ट हो गई है, कुछ डिवाइस का ID आ गया है, तो ये डिवाइस यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद जो कमांड आपको यहाँ पे टाइप करनी है वो है सेकेंड कमांड है ADB शैल, तो हम यहाँ पे ADB शैल अब टाइप करते हैं। अब ये आपके वन प्लस जो 80 मोबाइल है उसके अंदर में हम चले गए। अब यहाँ से आप जो भी कमांड चलाएंगे उसके अंदर की सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। जैसे ADB यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ PM लिस्ट पैकेजेस, तो आपके जो भी पैकेजेस इंस्टॉल है, मतलब जो ऐप्स इंस्टॉल हैं वो पैकेजेस के रूप में दिखाई देती हैं, वो सब यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे पैकेजेस आपके यहाँ पे अब शो हो रहे हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई एक पैकेज को अनइंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ सिस्टम फाइल्स को। तो मैं इस डेमो के लिए ये वाला एक वन प्लस नोट ऐप है, इसको अनइंस्टॉल करके आपको दिखाऊँगा और वापस इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड है आपकी PM अनइंस्टॉल स्पेस डैश के स्पेस डबल डैश यूजर स्पेस 0 और पैकेज का नाम। तो ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करते हैं। ये वाला कमांड, इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब सक्सेस आ गया, यानी कि ये वाली ऐप अब आपके मोबाइल से अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम मोबाइल में सर्च करके देखते हैं ये वाली ऐप शो हो रही है या नहीं हो रही है। नोट टाइप करता हूँ, तो ये वाली ऐप अब वन प्लस वाली नोट वाली ऐप यहाँ पे नहीं है। ऐप इंस्पेक्टर में जाके मैं चेक करता हूँ इसको अब, तो ऐप इंस्पेक्टर में भी ये ऐप आपकी शो नहीं हो रही है। अब इस ऐप को आप वापस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है आपकी, पहले इसको आपको इस शैल से एग्जिट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ मैं, तो एग्जिट हो गया, मैं सीधे कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया यहाँ पे। अब आपको वापस से अगर ये ऐप इंस्टॉल करनी है तो ये वाली कमांड आपको यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी ADB शैल CMD पैकेज इंस्टॉल डैश एग्जिस्टिंग और पैकेज का नाम। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं जैसे इसको। तो आप देख सकते हैं इसके बाद में यहाँ पे आ गया है पैकेज com.oneplus.not इंस्टॉल फॉर यूजर 0, तो यह आपकी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। तो एक बार आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ऐप आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट से तो आपने देख लिया, कुछ जगह पावर शेल भी से भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक शिफ्ट की प्रेस करके राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है ओपन पावर शेल विंडो हेयर, तो ये वाला यहाँ पे पावर शेल खुल गया। तो पावर शेल के लिए कमांड थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जैसे ये वाली कमांड से पावर शेल के लिए। तो अब मैं इसको मोबाइल को पहले कनेक्ट कर लेता हूँ USB केबल से। USB डिबगिंग को टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद में अब पावर शेल में हम ये वाली कमांड प्रेस करते हैं, जो ADB डिवाइसेस जगह आपको .\ADB डिवाइसेस ये यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आपकी डिवाइस लिस्ट होगी। इसके बाद में जो बाकी कमांड हैं वो इस टाइप से हैं .\ADB शेल PM लिस्ट पैकेजेस, तो ये वाली कमांड अगर आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आपके पैकेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगे जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में हो रहे थे। इसके अलावा अगर ये वाली कमांड आप पेस्ट करते हैं अनइंस्टॉल करने के लिए तो यहाँ पे ये वाली कमांड आपको यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी कॉपी। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे तो सक्सेस, या आपकी ऐप आप अनइंस्टॉल हो गई। वापस इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ये कमांड है आपकी ADB शेल CMD पैकेज इंस्टॉल एग्जिस्टिंग com.not। तो वापस से वो ऐप आपकी इंस्टॉल हो गई है।
तो आप पावर शेल के यूजेस से भी आपकी ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। और ये तो विंडोज़ 10 की बात थी, अब मैं विंडोज़ 11 में आपको बता देता हूँ। विंडोज़ 11 में जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करके या राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल ये वाला यहाँ शो होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पावर शेल में ही ओपन होता है। ये देख सकते हैं पावर शेल है। इसमें अच्छी बात ये है विंडोज़ 11 में कि आपके जो दोनों कमांड है, पावर शेल वाली भी और आपकी जो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट वाली, दोनों कमांड यहाँ काम करती है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये वाली कमांड टाइप करने पर ADB शेल सीएमडी पैकेज इंस्टॉल एग्जिस्टिंग पैकेज कोई एरर आती है, जैसे कि पैकेज नॉट अवेलेबल या नॉट एसेसिबल, तो आप अल्टरनेट कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली कमांड है PM डम्प पैकेज का नाम, पाइप करेक्टर और ग्रैप पाथ। इससे आपको पाथ मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट में, उस पाथ को फिर आपको इस वाली कमांड में पेस्ट करना है, PM इंस्टॉल डैश आर डैश डैश यूजर, इसके बाद में स्पेस और ये पाथ। तो इसके बाद में आप वापस से उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वाली अल्टरनेट कमांड को आपको टाइप करने से पहले अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद में ये दोनों कमांड आप शेल के अंदर में टाइप करेंगे। वापस से सारा प्रोसेस जैसे ADB डिवाइसेस, ADB शेल, उसके अंदर आप जाने के बाद में ये सारी कमांड यहाँ पे आपको टाइप करनी है। और पावर शेल के लिए कमांड्स हैं ये वाली कमांड, बस डॉट बैक स्लैश ADB शेल यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये आपकी पावर शेल की कमांड है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली कमांड टाइप करके कि कैसे आपको अपने ऐप को वापस इंस्टॉल करना है अगर आपके मोबाइल में कोई एरर आती है। रिस्टार्ट करने के बाद हम वही वापस से एक बार इसको कनेक्ट करते हैं USB केबल से और ADB डिवाइसेस यहाँ पे टाइप करते हैं। ADB डिवाइसेस आ गई है, अब ADB शेल टाइप करते हैं तो ये आपका अभी शेल खुल गया है। अब वापस से वो कमांड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिस्टार्ट करने के बाद में ये पाथ आपको यहाँ पे शो हो गया है। पाथ जो है एक्चुअली में सिस्टम इमेज में जो पाथ है इस ऐप का, वो है सिस्टम ऑब्लिक रिजर्व ऑब्लिक ओपी नॉट डॉट APK। तो इस पाथ के थ्रू हम वापस इस ऐप को वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कमांड है आपके पास में, PM इंस्टॉल डैश आर डबल डैश यूजर 0, उसके बाद में पाथ जो आपको देना है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं हम, फिर एंटर प्रेस करते हैं, सक्सेस। आप देख सकते हैं ऐप वापस से इंस्टॉल हो गई है। तो इस तरीके से आप ADB टूल की सहायता से अपने सिस्टम जो ऐप्स हैं एंड्रॉयड मोबाइल के, उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू।